शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल आरती जंगल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ एक नई शिक्षण योजना लेकर आई हूँ, तो जिसका प्रकरण है 1 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करने में से बड़ा और से छोटा शब्द का उपयोग प्रतीक द्वारा करना। तो हम देख लेते हैं, लर्निंग आउटकम है बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं की मात्रात्मक तथा प्रतीकात्मक समझ रखते हैं। बच्चे छोटी तथा बड़ी संख्याओं को पहचान लेते हैं। बच्चे से बड़ा तथा से छोटा शब्द का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है तीलियां, संख्याकार, चित्र चार्ट, कंकड़, बंडल तीली, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है, सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में समय 10 मिनट है। आकलन का तरीका है परिचय। इससे पहले मैं 1 से 9 तक की तुलना की वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैंने इस वाली टीचिंग प्लान में डायग्राम ड्रॉ नहीं किए हैं, तो हम वो वाले डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ करके बच्चों से बता सकते हैं। तो शिक्षिका बच्चों को 1 से 20 तक के संख्याकार दिखाएंगी, उनसे पूछेंगी, संख्या पूछेंगी। शिक्षिका बच्चों को सहज करने के लिए एक कहानी सुनाएंगी तथा सभी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगी। बच्चों, आपको पता है पहले के समय में अंक बोलते थे, तब सुनने को कोई पसंद नहीं करता था। सब अंक उसको तुम खाली हो कह के चुड़ाते थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एक अंक कहता, मेरे पास एक वस्तु हमेशा ही होती है। तो दो अंक कहता, कह रहे मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा 2 वस्तु हमेशा ही होती हैं। इसी तरह से बाकी के अंक भी अपने को बड़ा बता रहे थे। 9 अंक ने बोला कि अरे भाई, मेरे पास तो तुम सबसे ज़्यादा वस्तुएँ हैं, यानी कि 9 वस्तु हमेशा रहती हैं, तो मतलब हुआ कि मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। सभी अंक शून्य का मजाक बना रहे थे। यह सब देखकर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने शून्य की मदद करने की सोची। उसने सभी अंकों से कहा कि अगर शून्य किसी भी अंक के दाईं ओर आएगा तो उस अंक के पास 10 वस्तुएँ ज़्यादा हो जाएंगी। यह सुनकर सभी अंक शून्य अंक को प्यार से अपने पास बुलाने लगे। अब शिक्षिका बच्चों को प्रकरण से जोड़ेंगी। शिक्षण के दौरान समय 20 मिनट आकलन का तरीका सहभागिता। तो शिक्षिका मेज पर अलग अलग आकार की गिनती, तीली के बंडल और खुली तीलियां रखें। कक्षा को 2 समूह में बांट दें तथा हर समूह से बारी बारी से 2-2 बच्चों को मेज पर बुलाएं। शिक्षिका बच्चों से सबसे बड़ा से और सबसे छोटा बंडल उठाने को कहें। शिक्षिका बच्चों से बंडलों को उठाने का आधार पूछें। जब यह गतिविधि सभी बच्चों के साथ हो जाए तब प्रत्येक समूह से बंडलों को सबसे बड़े से और सबसे छोटे के क्रम में लगाने को कहें। शिक्षिका बच्चों की आवश्यकता अनुसार मदद करें। शिक्षिका बोर्ड पर 2 कॉलम बनाएं, एक कॉलम में एक तरफ छोटी संख्या और दूसरे कॉलम में बड़ी संख्या लिखें। शिक्षिका प्रत्येक समूह से बच्चों को बोर्ड पर सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाने को कहें। शिक्षिका बच्चों को समझाएं, जो संख्या बड़ी है उस तरफ मुँह खुला, यानी इस तरीके का चिन्ह लगाएंगे। शिक्षिका सभी बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर उनसे प्रतीक छोटा या बड़ा के द्वारा उनसे चिन्ह लगाने को कहेंगी। शिक्षण के बाद में समय 10 मिनट आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षिका बोर्ड पर कुछ संख्या लिखेंगी, जैसे हमने ये संख्या लिखी 18, 14, 19, 19, 20, 20, 2, 3, 13, 4, 15, 8, 18। शिक्षिका बच्चों को इसे कॉपी में लिखकर तुलना करने को कहें। शिक्षिका कुछ बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर उचित चिन्ह लगाने को कहें। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक से कार्य करवाएं। अब बात करते हैं प्रदत्त कार्य गृह कार्य की। तो 10 से बड़ी एक संख्या लिखो जिसका इकाई अंक 4 हो। 15 से छोटी कोई भी एक संख्या लिखो जिसका दहाई का अंक 1 हो। आपके मुंह के दांतों की संख्या 20 से कम है, अधिक है लिखो। माचिस की तीलों की संख्या कितनी है। शिक्षण की आगामी योजना है कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर शिक्षिका नई शिक्षण योजना बनाकर कार्य करेंगी। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।